दिस वॉज़ आ नॉन वायलेंट मोमेंट विच वॉज एम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल कि गांधी जी को जलियाँ वाला बाग इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा शौक लगा और इंडियन लीडर्स को भी और गांधी जी ने इसी लिए एक मोमेंट को स्टार्ट किया दैट इज़ कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मोमेंट इस मोमेंट का एम था कि वी शुड गो फॉर नॉन वायलेंट कि हम किसी भी तरह का वायलेंस नहीं क्रिएट करेंगे इंडिया के अंदर एक साइलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे

टू ब्रिटिश गवर्नमेंट क्योंकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई भी समझौता या कॉपरेशन नहीं करना चाहते थे और कहा जाता है ये मूवमेंट सबसे ज़्यादा इंडिया में सक्सेसफुल रही इसका रीज़न था कि महात्मा गांधी को बहुत सारे एजुकेटेड लोगों का साथ मिला और लार्ज स्केल में लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तो डेट्स वाई रिकॉल द मास मूवमेंट आल्सो कि हम इसे मास मूवमेंट भी कहते हैं जहां बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और पार्टिसिपेशन किया और गांधी जी का साथ दिया हाउ एवर गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूमेंट आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट इन 1922। इन चोरी चोरा इंसिडेंट देयर वाज़ अ क्लैश बिटवीन द पुलिस एंड द प्रोटेस्टर्स। इन दिस इंसिडेंट द प्रोटेस्टर किल्ड मेनी पुलिस मैन एंड सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर सीइंग द प्रोटेस्ट टर्निंग वॉलेंट गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूमेंट तो हम ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी ने ही इस मूवमेंट को लॉन्च किया और महात्मा गांधी जी ने ही इस मूवमेंट को कॉल ऑफ किया जिसका एक ही रीजन था चोरी चोरा इंसिडेंट चोरी चोरा एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है यहाँ पर महात्मा गांधी जी के बहुत सारे सपोर्टर्स रहते थे या जिन्हें हम कह सकते हैं प्रोटेस्टर्स इन प्रोटेस्टर्स का झगड़ा पुलिस के साथ हुआ और पुलिस सिस्टम किसके अंडर कंट्रोल में थी ब्रिटिशर्स के धीरे धीरे लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया वो किसी भी तरीके से पुलिस मैन के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार नहीं थे और गुस्से में आके उन्होंने क्या किया पुलिस स्टेशन को जला दिया अब ये मूवमेंट क्या हो गई ये नॉन वॉयलेंस से वायलेंट हो गई और जैसे ही महात्मा गांधी जी को ये सारा इवेंट का पता लगा इस इंसिडेंट का पता लगा तो उन्होंने सडनली इस मूवमेंट को स्टॉप कर दिया और उन्होंने लोगों को समझाया कि हमारा नॉन कॉपरेशन का जो मेन मोटिव था वो था लोगों को एक साथ करना और एक साइलेंट वे में अपील करना अपनी कंट्री के लिए बट आप लोगों ने क्या किया आप सब तो मार काट में ही लग गए वेपन्स उठा लिए तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा कि अब हमें इस मूवमेंट की जरूरत नहीं है हालांकि बहुत ज्यादा मूवमेंट थी इट इज वेरी सक्सेसफुल और लार्ज स्केल पे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन भी किया बट यहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर की वजह से जिन्होंने पुलिस स्टेशन को जलाया इस मूवमेंट को सडनली रोकना पड़ा क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो गई थी अब आपको समझ में आया थैंक यू वेरी मच किड्स